नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो शूट की है जिला करनाल और धर्मवीर डेयरी फार्म से। काफ़ी शानदार भैंस आज आपको दिखाएंगे, यानी कि नीली रावी, यानी कि ये कहेंगे पंजाब की शान और जान है ये जोटी, नीली रावी है जो। और काफ़ी भाई जो पाकिस्तान के हैं वहाँ भी इसको रखते हैं, क्योंकि उन भाइयों को बेरा है भाई ये चीज़ क्या है। और जो कैमरे के सामने भैंस खड़ी है, इसको देख के सभी भाइयों को पता भी लग जाएगा, काफ़ी शानदार है। और पहले भी मैंने पिछली बार भी जोटी की वीडियो शूट की थी, क्योंकि सेल नहीं करनी थी भाई ने। अब की बार विचार है, पूरा मन है भाई का सेल करने का। और जो नीचे फीमेल का भाई है वह भी काफ़ी शानदार है। थोड़ी सी डिटेल लेने के बाद भाई से, राम राम भाई साहब। राम राम भाई, राम राम भाई, दर्शक ना, और राम राम करते थोड़ी। राम राम भाई सर, भाई ठीक है भाई साहब, डिटेल दें भाई साहब भैंस की। भाई डिटेल इसका जो बच्चा है इस बार लाहौरी बुल का है। हाँ ठीक है, 25 नंबर लाहौरी, लाहौरी बुल का। हाँ ठीक है बात, कटिया दही है। हाँ और प्योर नीली रावी में है। हाँ ठीक है बात, जो भी सिम्टम हुआ ना। हाँ तो सारे पूरे पैरामीटर कम्प्लीट है इसके। ठीक ठीक ठीक, मैं इसका दूध का रिकॉर्ड और बताएं भाई, क्या रहा है, कौन से ब्यात की भैंस भाई जी? मेरे पास है 3 साल से। हाँ 3 साल से आपके पास है। हाँ जी, पहले इसका 23 किलो 600 ग्राम दूध था। हाँ ठीक है बात, पिछले ब्यात में इसकी कटिया मर गई थी भाई। पिछले कटिया थी इसकी। अच्छा जी, वो कटिया मर गई थी जब आपने वीडियो शूट करी थी, उस टाइम कटिया मर चुकी थी। अच्छा, कटिया ही आई थी पिछले ब्यात में भी, यानी कि सारी कटड़ी निकाला है। कटड़ी निकाला सारी। ठीक है बात, कटिया मर गई थी। हाँ पिछला ब्यात इसका सारा खराब रहा, 20-21 लग गई। हाँ ठीक है बात, मतलब एक कार सार जो आना चाहिए वो आई नहीं। ठीक है बात आपकी, इस बार भी फेरी ना कटिया दे ही है, ब्याई है। उम्मीद तो है इसकी वो 24-25 लीटर की है भाई। नहीं नहीं ठीक है बात, वो तो ले ले, भगवान ने करना जो करना। बिल्कुल भाई, ठीक ठाक तरीके से ब्यागी, जेर ठीक डाल दी। बिल्कुल बढ़िया ब्यागी भाई, जेर भी यहीं पड़ी अभी तो। नहीं नहीं ठीक है बात आपकी, रात ब्याई है और रात ही जेर गिर दी, बढ़िया तरीका। थोड़ा लंबा ले लें भाई साहब, थोड़ा हाथ लंबा लेके चलें, थोड़ा हग है कट। और ये देखें भाई, काफ़ी भारी वर्कम और पीठ और पुठी काफ़ी शानदार, यानी कि एक बात और कहूँगा सभी भाइयों को, पंजाब ने मुर्रा पे तो काफ़ी अच्छा काम करके दिखाया, और नीली रावी है जो, इसके ऊपर तो बहुत ही पहले से काम कर रहे हैं, क्योंकि पंजाब वाले सभी भाई इसको जानते हैं भाई ये चीज़ क्या है, क्योंकि हरियाणा में तो हमारे बहुत ही कम रखे हैं, इतनी पहचान नहीं है इस चीज़ की, पंजाब में बहुत ही ज़्यादा। और जो कटड़ी आई है इसके नीचे पूरी तरह से कवर करके दिखाऊँगा, बिल्कुल प्योर नीली रावी। ये देखें दोनों आँख दिखा दें भाई साहब इसकी, ये दोनों आँख इसकी बिल्ली है, ये देखें दोनों आँख बिल्ली और फेस है, पूरा फेस। और पीछे आ जाए एक बार, पंच कल्याण इस तरह बोला है, चारों पांव। ठीक है बात, आदिपुंजड़ संचादा। ठीक है जी, ठीक है ठीक, यानी कि प्योर नीली रावी है जी। प्योर नीली रावी है भाई। और जो इसकी मदर है, देखो भाई इसका तो कहने के है, जिस भैंस ने 23 से 24 लीटर दूध निकाल दिया, और जैसे भाई ने बताया भाई अब की बार उम्मीद है 25-26 लीटर दूध निकाल दे, क्योंकि पिछली बार थोड़ी सेटिंग नहीं आने पाती भाई, सांस का देना देखो कुछ हो जाए। पूरी डिटेल दें, पिछले ब्यात की जो कटड़ी थी इसकी वो कैसी रही थी? कटड़ी इसकी वो भी आई हुई थी, क्योंकि मेरे पास बुल था भाई जी। हाँ उसी की थी वो, प्योर मुर्रा का बुल था, उसकी कटिया थी और अच्छी हाइट लेंथ कटड़ी थी। हाँ ठीक है बात, 5-6 दिन जी जा रही। अच्छा अच्छा, क्योंकि उसका अपने देसी भाषा में कोटो नजर आ रहा है। नहीं नहीं, वो पहली बार की नहीं, पहली बार की कटड़ी, उससे पहली बार की कटिया। हाँ उससे पहली बार की भी कटिया थी वो, इस तरह की थी। अच्छा जी, नीली रावी में थी वो, और वो सेल हो के बल्कि यहीं जा रही है पास में ही। अच्छा अच्छा, 60,000 रुपए की वो कटिया ले गई, 60,000 रुपए कटिया भी की थी। ठीक ठीक, ये देखें भाई थोड़ा सा अदर क्वालिटी हो रहा, आगे से दिखाने की कोशिश करूंगा। ये देखें काफी शानदार अडर क्वालिटी भैंस ने बनाई है, थोड़ा सा आगे ले ले भाई साहब, थोड़ा सा ले लें, आगे ले ले थोड़ा सा। ये देखें काफी शानदार है, खीस कितना निकाल दिया भाई साहब आपने? खीस सवेरे लगभग 4.5-5 लीटर खीस निकाला, 4.5 से 5 लीटर खीस निकाल दिया। ये देखें भाई 4 से 5 लीटर खीस भाई ने निकाल दिया, क्योंकि अभी अभी ब्याई ब्याई है जोटी, रात ही ब्याई है, और थोड़ा तंग भी हो रही थी भाई, क्योंकि खाना पीना भी छोड़ दिया गया था पशु पहले से, थोड़ा हाँ अपने नहीं लगे बात की मड़ी। बहुत ही शानदार जोटी है, क्योंकि थोड़ी सी वीडियो में इसकी कल की भी डालूँ, आज इस टाइम ये ब्यात आ रही थी, गैबन थी,
प्रेग्नेंट थी, वो भी वीडियो में सभी भाइयों को दिखाऊंगा। भैंस बहुत ही शानदार है, और जिस भाई ने इस भाई से बात करनी है भाई बात भी कर सके, क्योंकि नंबर इस भाई का स्क्रीन पर डाल दूंगा। सारी जानकारी ले लें भाई से, क्योंकि हमारा तो एक फ़र्ज़ आपको अच्छे अच्छे पशु दिखाने का। और ये देखें, थोड़ा पीछे आके और दिखाऊंगा नीचे से, क्योंकि भाई ने खीस भी निकाल दिया। ये देखें, चारों साइड से पूरी तरह से कवर करूंगा जोटी ने, ताकि किसी भी भाई को कोई किसी भी प्रकार की परेशानी ना आए। और ज़िला करनाल तो एक बहुत ही फेमस रहा है, क्योंकि बड़ी मार्केट है, इसके अंदर से तो काफ़ी ज़्यादा भैंसें सेल होकर बहुत ही बाहर गई हैं, और इस भाई ने भेजी हैं काफ़ी अच्छी अच्छी भैंसें, इस भाई ने सेल की हैं इसके फार्म से। कहाँ कहाँ गई भाई आपकी भैंसें? भाई जी, भैंस तो लोकल में बेचे और बाहर भी स्टेट में बहुत जावा है। नहीं, इसी का पता, महाराष्ट्र, हैदराबाद, इधर कर्नाटक में भी जावा है, और पिछली बार एक भाई आपके पास आया भी रहा, जब मैंने वीडियो कवर करी है, हैदराबाद का था, ठीक ठीक। और उस भाई ने, मैं सभी भाइयों से कहूँगा, इस भाई की बहुत ही सराहना की थी भाई, पशु बहुत ही बढ़िया देवा है, जो डिटेल देवा है वो इसकी फाइनल मिला, इस भाई के यहाँ पशु दूध का अच्छा मिला, और जो कुछ कवा अच्छी ही डिटेल देगा पशु देव। उस भाई से मैंने सुना था, क्योंकि काफ़ी दूर का भाई था, और पसा पशु बहुत ही बढ़िया निकाला। ये देखें, क्योंकि अभी 5-6 लीटर खीस निकाल दिया, और खीस निकलने के बाद ही आप वीडियो कवर कर रहे हैं, जेर ठीक ठाक तरह से डाल दी, क्योंकि पशु ठीक ठाक तरह से ब्याजे, जेर ठीक तरह से गिर दे तभी ब्याह मानो। जो टीने सारे काम ठीक ठाक तरह से कर दिए, और अब काफ़ी अच्छे दूध की उम्मीद अब की बार। और जिस भाई ने लेनी है, इस भाई का नंबर स्क्रीन के ऊपर मिल जाएगा, कमेंट में ज़रूर बताएँ इस भाई की ये नीली रावी जोटी आपको कैसी लगी। आशा करूंगा सभी भाइयों को वीडियो पसंद आएगी। आखिर तक वीडियो देखने वाले भाइयों का धन्यवाद।